सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सीरीज़। जैसे कि आप लोगों क्या मैकेनिक्स का ही सीरीज़ चल रहा था, क्वेश्चन 1 करा दिया था, ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में मैं देख पा रहे होंगे आप लोग, मैंने कुछ नोट डाउन करके पहले से रखा हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। इसका आधा पोर्शन अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है। दिस ट्रायंगल इज़ नथिंग बट द बोट। इस बोट को दो स्ट्रिंग पी एंड क्यू खींच रहे हैं, पी अपने साइड से, क्यू अपने साइड से। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ, ये टेंशन मेंबर्स हैं। इसमें आपके आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस रहेंगे। ये टेंशन मेंबर का फोर्स है दिस, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कोई FPD नहीं बनेगी। ये एक बोट है, दैट मीन्स पानी में चल रही होगी। पानी में आपका कहीं पर भी कोई फ्रिक्शनलेस सपोर्ट या कुछ ऐसा टाइप का कोई भी सपोर्ट आपको नज़र नहीं आएगा। स्ट्रिंग में यहाँ पे कोई आपको नहीं लगेगा एक्सटर्नल फोर्स, दैट मीन्स मेरा सिर्फ पी एंड क्यू फोर्स है। पी का जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ 100 मीटर है, क्यू का जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ 150 मीटर्स है। जो बोट है, बोट के ऊपर और नीचे, बीचों बीच पे बोट रखी हुई है। ऊपर 50 मीटर की हाइट है, नीचे 50 मीटर की हाइट है। बोट एकदम बीच में रखी है पॉइंट बी पे। पॉइंट सी पे एक 50 मीटर हाइट जहाँ से लिया है वो एक पॉइंट है। पॉइंट डी यहाँ पे एक 50 मीटर हाइट लिया है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं सीधी लाइन है जिसको मैं परपेंडिकुलर बोल सकती हूँ बोट से। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रिंग क्यू बंधी हुई है वो पॉइंट ए है, जहाँ पे स्ट्रिंग पी बंधी हुई है वो पॉइंट ई है। यहाँ पे लोड ऑफ पी फोर्स जो है वो दिया है 150 न्यूटन। आपको क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्यू। एंड इसके साथ साथ आपको ये बताना है, अगर दो वेक्टर्स इसको मान लेते हैं, दो फोर्स पी एंड क्यू मान लेते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स कोई एक होगा जो उसको खींच रहा होगा इक्वलाइज करके आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कोई एक रिजल्टेंट आएगा, दैट विल बी आर। आर आपका क्या है, इमेजिनरी है, अभी आपको वहाँ पर ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आर ड्रॉ करोगे तो आप कन्फ्यूज़ होगे। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन दोनों का एक रिजल्टेंट निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू निकालना है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको क्यू और रिजल्टेंट निकालना है। अब ध्यान से देखिए, कुछ बच्चों को डाउट ये है कि मैम क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें, हमको क्या चाहिए, क्यू चाहिए, आर चाहिए। अगर मेरे पास पहले आर निकालूंगी तो क्यों नहीं निकाल सकती, पहले मैं आर निकाल ही नहीं सकती, पहले मुझे क्या चाहिए, क्यू चाहिए। मुझे पता है पी और क्यू निकल जाएगा तो आर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब क्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एकदम सिंपल, सपोर्ट रिएक्शंस नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, पी एंड क्यू का हॉरिजॉन्टल से वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ कि वो कहाँ पे लाई करते होंगे, किस कितने एंगल पे लाई करते होंगे। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल से उनका एंगल पता चल जाए तो क्या करूँगी, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसको रखूँगी, कंपोनेंट्स रिजॉल्व करूँगी। मेरे पास समेशन के दो इक्वेशंस हैं इक्विलिब्रियम के, समेशन FX और FY, दोनों में मैं इसको, दो अननोन्स है, दो नहीं एक अननोन है, पी का वैल्यू तो हमको पता है, क्यू एक अननोन है, किसी भी एक इक्वेशन से सॉल्व आउट हो जाएगा। तो अब एंगल फाउंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे लेंथ 100 मीटर दिख रहा है, यहाँ 50 मीटर दिख रहा है। क्या मैं इन दोनों लेंथ यूज़ करके यहाँ पे गामा एंगल निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। साइन गामा दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिससे आपका गामा का वैल्यू निकलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग ट्रायंगल CEB, दैट इज़ CEB, ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं जहाँ पे साइन गामा को मैंने निकाला है। गामा की वैल्यू आई है मेरी 30 डिग्री, मैं क्या बोल सकती हूँ, ये मेरा 30 डिग्री है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, ट्रायंगल BAD मतलब ये B पॉइंट है, A पॉइंट है, D पॉइंट है, ये वाला ट्रायंगल है। ये वाला ट्रायंगल में क्या होगा, मैं यहाँ पे साइन लगाती हूँ, साइन बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स मेरा बीटा आ गया कुछ इतना डिग्री, ठीक। अब ये एंगल और ये एंगल मुझे पता है, मैं क्या करती हूँ, ये वाला एंगल निकाल लूँगी बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स एंगल BAD, एंगल कौन सा है, BA और D, BAD क्या हो जाएगा आपका, कहीं ना कहीं, सॉरी एंगल ABD, B आपका बीच में दिख रहा है ना, दैट मीन्स ये वाला एंगल निकाल रही हूँ मैं, क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं 180 माइनस 90 प्लस बीटा, ये मैंने लिख दिया, आया कितना 70.53। दैट मीन्स ये वाला एंगल जो आएगा मेरा, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 70.53, ठीक 70.53। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल EBC, एंगल EBNC, ये वाला जो एंगल है ये मेरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस थीटा, सॉरी गामा, दैट विल बी योर 60 डिग्री,
ये मेरा हो गया 60 डिग्री, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब वो एंगल मैंने क्यों निकाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न मैं बोल सकती हूँ कि भाई ग्रीन चौक लेते हैं, ठीक है। क्या बोल सकती हूँ, अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल खींचती हूँ तो मेरा पी का कुछ एंगल बनेगा, क्यू का कुछ एंगल बनेगा। यहाँ पे मुझे ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए। अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ, 90 का है कहीं ना कहीं, अगर ये नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल लाइन है, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रीम से, ये आपका क्या है, स्ट्रीम का साइड है, दैट मीन्स नौका जहाँ पे जा रहा है पानी में, पानी के साइड का कॉर्नर है। यहाँ से आपका डिस्टेंस था परपेंडिकुलर पे, यहाँ से एक नॉर्मल खींचा, दैट मीन्स ये भी एक परपेंडिकुलर होगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे एंगल थीटा, अगर मैं इस एंगल को थीटा नाम दूँ और इसको अल्फ़ा नाम दूँ, तो एंगल थीटा मेरा क्या हो सकता है, 90 माइनस एंगल ई बी सी, मीन्स ई बी सी 90 माइनस 60, दैट विल बी योर एंगल थीटा इज 30 डिग्री। और सिमिलरली एंगल बीटा विल बी 19.47 डिग्रीज। देख लो एंगल अल्फ़ा कैसे निकला है, ठीक। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे तरीके से कर सकते थे, ध्यान से देखो इस डायग्राम को। इस डायग्राम में आपको जेड बनता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है जेड बनता हुआ, दैट मीन्स ये यहाँ से ऐसा, ये जो गामा एंगल है दैट विल बी योर थीटा एंगल, और यहाँ पे भी जेड बन रहा है, दैट मीन्स योर बीटा एंगल विल बी योर अल्फ़ा एंगल। देख लो मैच करके, आपका ये जो बीटा एंगल दिख रहा होगा ये कहीं ना कहीं अल्फ़ा एंगल है, थीटा एंगल जो दिख रहा होगा आपको कहीं ना कहीं वो गामा एंगल है, ठीक है। वहाँ पे नॉमेनक्लेचर समझ में आ गए, थीटा और अल्फ़ा कैसे रखना है। थीटा अल्फ़ा यहाँ पे रखा मैंने, इसको अलग से कोऑर्डिनेट बना के यहाँ पे रखा। कोऑर्डिनेट बना के रखने के बाद मैंने यहाँ वैल्यू मेंशन नहीं की, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब आप वैल्यूज़ को रखिएगा। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स को एज़ यूजुअल रिजॉल्व किया जैसा करते थे। मेरा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में मैं बॉडी को अज्यूम करती हूँ कि मेरा बॉडी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता होगा, क्योंकि मेरी बॉडी क्या है, सीधी जा रही है एकदम स्मूथ, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई काम नहीं हो रहा है। जो पी और क्यू जिसको खींच रहे हैं उसी फोर्स से ये जो बोट है ये पैरेलली जा रही है, दैट मीन्स मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो मैं ये दो इक्वेशन लगा सकती हूँ, दो इक्वेशन मैंने लिख दिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं साइन कन्वेंशन क्या है, उससे मेरा एफ ऑफ एक्स से इक्वेशन को मैंने वैसे ही रख दिया, एफ ऑफ वाई से मुझे ऐसा लगा कि मेरा क्यू निकल जाना चाहिए, ठीक। यहाँ से भी निकल जाएगा, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको निकाल के मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इस वाले से एक क्यू का साइड इधर उधर करके चेंज करके वैल्यू निकाला है दिस मच, दैट मीन्स मुझे मेरा आंसर का एक पार्ट मेरा निकल चुका है, दैट इज़ क्यू। अब बात ये आती है आपकी रिजल्टेंट के बारे में, रिजल्टेंट वहाँ पे क्या है, आपको दिख नहीं रहा है भाई रिजल्टेंट कौन सा है। तो रिजल्टेंट का मैं बोल सकती हूँ रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं होगा। मान लिया रिजल्टेंट यहाँ कहीं है, मान लिया, पर क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भाई रिजल्टेंट एकदम इसी लाइन पर जाएगा विदाउट एनी डिग्री। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हॉरिजॉन्टल से इतना डिग्री ऊपर हो, हॉरिजॉन्टल से इतना डिग्री नीचे हो, मैं नहीं मान सकती ना कि कितने भी डिग्री पे वो हो सकता है, एकदम सेंटर पे मैं नहीं मान सकती। बट अभी मैंने इसको मेंशन कर दिया है कि भाई ये आर होगा कहीं रिजल्टेंट बीच में। आर क्या होता है, आपका फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट, जितना भी आएगा वो आपका रिजल्टेंट होता है, हमेशा से आपका रिजल्टेंट यही होता है। अब इस रिजल्टेंट को आपको क्या करना है, ये जो आपका इक्वेशन है इस इक्वेशन को आपको स्क्वायर करके निकालना है, तब आपका रिजल्टेंट निकलेगा। चलिए अब यहाँ पे से मुझे सॉल्व करना था, मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि मेरा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम था। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में मेरा ये जो कंडीशन है वो ज़ीरो पे सेटिस्फाई होगा, इसलिए मैंने इक्वल टू ज़ीरो लिखा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मुझे इतने का मैग्नीट्यूड चाहिए, इसको मैं ज़ीरो अज्यूम नहीं करूँगी, मुझे समेशन एफ ऑफ एक्स का जितना वैल्यू है वो चाहिए, तो इतने का मुझे वैल्यू चाहिए और इतने का मुझे वैल्यू चाहिए समेशन एफ ऑफ वाई। चलिए निकालते हैं, मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखती हूँ, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैं वो लिख सकती हूँ 150 कॉस 30 डिग्री प्लस क्यू मेरा निकल चुका है, तो मैं अब क्यू की वैल्यू भी पुट अप कर देती हूँ 0.01 इनटू अल्फ़ा क्या है मेरा, अल्फ़ा है मेरा 19.47, दैट इज़
19.47, जिसका वैल्यू मेरा कुछ आ रहा है समथिंग 342.04, ठीक है, 342.04 कुछ वैल्यू मेरा आ रहा है। अब मैं सिमिलरली समेशन एफ ऑफ वाई ले लूँगी। एफ ऑफ वाई में क्या था मेरा, कहाँ गया भाई मेरा इक्वेशन, ये है 150 साइन 30 डिग्री माइनस क्यू क्या है भाई आपका 225.01 साइन अल्फा, दैट मीन्स साइन 19.47 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू मेरा आ रहा है समथिंग 0.0001। अब देखो 0.001, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा चला जाएगा इसलिए मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप अपनी कॉपी में करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो आपको नहीं पता, कैलकुलेटर में रख के करेंगे, बार बार कह रही हूँ मैं, फ़ोन पे रख के नहीं करेंगे। फ़ोन पे रखते हैं तो क्या होता है, साइन के बाद एंगल के लिए आप यहाँ ब्रैकेट तो लगाते हैं, यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं करते, या फिर कुछ तो भी ऐसा करते हैं कि आपका जो माइनस वाला साइन है वो सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं, इसको नहीं करते हैं। वैल्यूज़ में चेंजेस आते हैं आपके, अगर कैलकुलेटर में आप इक्वेशन एज इट इज़ रखेंगे तो आपका वैल्यू एकदम करेक्ट आएगा। ये वैल्यूज़ एकदम करेक्ट है, कहीं ना कहीं बार बार ध्यान से बोल रही हूँ, सुन लो। FX FY जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने 0-0 पे इस इक्वेशन पे रखा हुआ है। यहाँ पे इन लोगों को 0 क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाई मुझे पता है किसी का रिजल्टेंट मुझे निकालना है तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना आंसर आता है वो मुझे चाहिए। मुझे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में अज्यूम करके रखना था क्योंकि मुझे Q की वैल्यू चाहिए थी। अब मेरा Q फाइंड आउट हो चुका है तो मैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये समेशन FX जो है ये क्यों कर रही हूँ, जितने भी फोर्सेस मेरे X डायरेक्शन में लग रहे होंगे उन सब का सम, जितने भी Y डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे होंगे उनका सम, इसका मतलब ये है। ये इक्वेशंस जो इक्विलिब्रियम के वो अलग चीज़ है, पर ये क्या है मेरा, जितने फोर्सेस X पे लग रहे हैं वो, जितने फोर्सेस Y पे लग रहे हैं सारे फोर्सेस वो। अब इसको आप इस इक्वेशन पे अगर रखते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर इस फॉर्मूले पे रखते हैं तो आपका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ समेशन FX एंड समेशन FY आर इक्वल्स टू आपका आएगा 342.04। भाई सरनेम लगाना नहीं भूलना है, सरनेम इज न्यूटन, क्योंकि आपका जितना भी कुछ भी फोर्स आ रहा है वो पी का देखो न्यूटन में था, क्यू का किस में लिखा मैंने न्यूटन में लिखा, आपको आर का भी किस में लिखना है न्यूटन में लिखना है। यू हैव टू पुट द सरनेम ओवर हियर, ये आपका आर का वैल्यू आ गया, ठीक। अब R का वैल्यू आ गया, आपको क्वेश्चन में दो ही चीज़ पूछा था Q एंड R, मैं बोलूँगी अगर R का वैल्यू आ गया है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आपको पता था कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल पे R बन रहा होगा, आपको नहीं पता कि किस एंगल पे R बन रहा होगा, तो मैं क्या बोल सकती हूँ भाई, FY/FX ये होता है मेरा। अब इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा जितना भी थीटा डिग्री आएगा वो कुछ इतना मिनिमम होगा जिसका वैल्यू मैं लिख सकती हूँ 12343 0.00432 1 and 6 डिग्रीज, 4 मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा थीटा जो है कहीं ना कहीं आया है वो इतना समथिंग, दैट मीन 0. बहुत सारा ज़ीरो, तो मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं एज पर माय अजम्पशन कि ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, थीटा का क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो मुझे रिजल्टेंट का डिग्री फाइंड आउट हो गया कि कितने एंगल पे है वो,
कहाँ पे है और कितना मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, यही मुझे निकालना था। और मुझे क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू निकालना था, जो कि मैंने निकाल लिया है। अब ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। इसका लास्ट में जब आंसर लिखेंगे आप क्या करेंगे, क्यू इक्वल्स टू दिस, रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू दिस एंड थीटा इक्वल्स टू दिस करके आप लिखेंगे। जब आर लिखेंगे तो लिखना है कि रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू दिस एंड थीटा मीन्स द पोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट आर एट द थीटा एंगल इक्वल्स टू दिस इज दिस डिग्री। आप इसको अगर अप्रॉक्सीमेटली जीरो डिग्री भी, सिमिलर टू जीरो डिग्री भी लिख के करेंगे, मीन्स इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सिमिलर टू जीरो डिग्री, दैट मीन्स ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस भी लिखेंगे, दैट विल ऑल्सो बी ओके। ठीक है, इतना क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद आप इसको कॉपी में एक बार अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे कि क्या है। अब ये क्वेश्चन को वापस से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो हेयर इज़ द क्वेश्चन, इन विच यू आर हैविंग अ बोट विच इज़ हैविंग अ टेंशन स्ट्रिंग एट पी एंड क्यू, एट द पी एंड क्यू एरिया दिस बोट इज़ पुलिंग, राइट? यू आर हैविंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ क्यू इन द सेम डायरेक्शन। यू आर नॉट हैविंग द एंगल ऑफ पी एंड क्यू विद द हॉरिजॉन्टल, सो फॉर दैट वी आर हैविंग अ ट्रायंगल ओवर हियर विच हैज़ अ डिस्टेंस ऑफ 50 एंड 100 विद द हाइपोटेनियस। वी आर अप्लाइंग हियर द साइन एंगल बाई विच वी कैन गेट द डिग्री और एंगल ऑफ दिस गामा, थ्रू दिस it is a perpendicular, we can find the third angle and due to this third angle we can find this angle also where P is making with the horizontal and similarly we are doing with the second. Here you can see the all formulas are writing as usual what I am doing in a sequence. So by that you are getting theta and alpha, and after you are getting theta and alpha you can convert these forces into a coordinate system, and when we are converting this, resolve it as usual, you are resolving the forces. Similarly doing the same thing, you are having your two equations, summation fx and fy. By these two equations you can find one values, because you are having already the value of p, theta and alpha, everything you have to find the value of q. Now as you know you have to find the value of q, that means your half question is done. After that you have to find the resultant. This is the formula of your resultant, that is summation of forces in x axis and summation of forces of all the forces of y axis. By these equations you can find the value of this and this. You have to put this all values in a calculator, don't calculate it with your phone because it may give a error due to the positioning of this angles, brackets, multiplications and signs. Now by this formula you can get this all values. After putting this values in the resultant formula, here I am writing, you will get the value of resultant R also. Don't forget to put the nomenclature of the unit, that is Newton or whatever it is given in your question. See, look here, it is given Newton in this question. Whenever you are giving a kilonewton, you have to mention here kilonewton. After that you have to write the or find the angle by which the resultant is making with the x-axis. Now this is the formula of making angle or finding the angle, that is again summation fy upon summation fx. You will find the value of theta here, it is something 0.4 times 0 and like that. So it can be written as similar to 0 or it can lie in x-axis. Okay, this is all about this question. Don't ask this doubt that ma'am, equation of equilibrium has this like equal to summation forces in x direction is equal to 0 and summation fy is equals to 0. This is just the assumption we are assuming, because we know that in equilibrium condition your all body is just like to be in a same motion or same velocity, no other forces, external forces can disturb it. So we assume that there will be no forces in x-axis and there will be no forces in y-axis, and if it was working on it, then also we are finding that the resultant of x-axis and y-axis will be zero. That's why these equations are the satisfying equation of equilibrium. Now this is the only equation of equilibrium, and here we are writing just the forces, the summation or the sum of the forces which are acting in x-axis. There is no relation between them, it is something different from this. These are the equations of equilibrium and these are the all forces calculation of x-axis and y-axis. This is all about your this question. It is more important
आई गेस इट इज़ कमिंग अराउंड 2 to 3 टाइम्स इन अ एग्जाम. सो इट इज़ ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ओनली. वी विल बी मीटिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.